आनंदी सो। सभी अपने नेत्रों को बंद करें और सहज श्वासों का अवलोकन करें। जन्म से मृत्यु तक जो श्वास प्रश्वास आपके साथ निरंतर गति कर रही है, उसका ध्यान करें, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। और यह बात हमेशा स्मरण में रखें कि ध्याता ध्येय पदार्थ से, वस्तु से, व्यक्ति से सदा दूर होता है। श्वास का आप ध्यान कर रहे हैं अंदर आते हुए, वो अपनी मस्ती से अंदर आ रहा है, आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें कि जल्दी जल्दी अंदर आए या जल्दी जल्दी बाहर जाए। जैसा भी आ रहा है बस देखते रहे। जिसे भी आप देख लेते हैं, छू लेते हैं, उससे सदा दूर रहते हैं। इन श्वासों का भी आना जाना आपके द्वारा देखा जा रहा है, तो आप इससे दूरी पर है। जो दूरी से पर होगा, जो आपसे दूर होगा, पृथक होगा, उसी को ही आप देख सकेंगे, जान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। तो ये प्राण आप नहीं, आप प्राण से भिन्न है, क्योंकि आपके देखने में, आपके जानने में, आपके अनुभव करने में उतर रहा है। सामान्य गति से चल रहा है प्राण तो भी देख रहे हैं, मंद गति से चल रहा है तो भी देख रहे हैं, तीव्र गति से चल रहा है तो भी देख। तो प्राण आपका दृश्य और आप प्राणों के दृष्टा। दृष्टा नित्य होता है और दृश्य अनित्य होता है। इस तरह से आप इस अनित्य प्राण से भी पृथक नित्य दृष्टा आत्मा है अपने को जाने। प्राण अपनी दिशा को बदलता है, परिवर्तनशील है। आत्मा सर्वव्यापी है, अपनी दिशा को बदलता नहीं। सर्वव्यापक पदार्थ कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलता, क्योंकि दिशा बदलने के लिए जगह चाहिए। आकाश में अगर पोलान न होती, खालीपन न होता, तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। एक भी जीव
पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता, जीवन नहीं पाता। अगर आकाश पत्थर की तरह, ठोस पहाड़ की तरह ठोस होता तो जीव कैसे उड़ पाता, कैसे चल पाता, कैसे वह भीतर बाहर अपने श्वास के साथ पेट को कर पाता। बाहर आने के लिए भी पेट को जगह चाहिए, भीतर जाने के लिए श्वास को पेट को जगह चाहिए। लेकिन अगर आकाश साकार होता तो संभव नहीं। तो ये विकारी है, भीतर बाहर होता है। प्राण भीतर बाहर होता है, उसे जगह है बाहर आने को भी और भीतर जाने को भी। आप इसके सहज दृष्टा हैं। ये अनात्मा है, आप आत्मा है। प्राण आपको नहीं जानता, आप प्राणों को जानते हैं, उसकी दिशा को, कि ये भीतर की ओर हो रहा है कि बाहर की ओर निकल रहा है। ये तेज गति से भीतर बाहर हो रहा है या सामान्य गति से। तो ये प्राण जड़ है, आप चैतन्य हैं। चैतन्य के द्वारा ही जड़ को जाना जा रहा है। जड़ आप चैतन्य को नहीं जान सकते। अगर ये बुद्धि में बात बैठ गई तो आप मृत्यु से पार हो गए। फिर मृत्यु आपको छू नहीं सकेगी। मृत्यु तो उन्हें ही उठा कर ले जाती है, बांध कर ले जाती है, घसीट कर ले जाती है, डंडे पीट पीट कर ले जाती है, फंदा डाल कर घसीट ले जाती है। उन लोगों को जिन्होंने इस माया की, परमात्मा की संपत्ति में मैं मेरा पने का अहंकार किया है, इस चोरी के माल वाले को वो पकड़ कर ले जाती है। जिन्होंने अपने को प्राण से पृथक जान लिया, वो मृत्यु के पार हो गए, मृत्यु उन्हें छू नहीं पाएगी। छू पाती है उन चोरों को जिन्होंने परमात्मा की संपत्ति को मैं करके बांध रखा है, छिपा रखा है, प्रकट या अप्रकट, प्रत्यक्ष या परोक्ष, आँखों के सामने या मन के पीछे। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। आप दृष्टा हैं, कैसे अपने को शरीर मान लेते हैं, कैसे अपने को मकान मान लेते हैं, कैसे अपने को जूता मान लेते हैं, कैसे अपने को कुत्ता मान लेते हैं। कुत्ते को मैं नहीं मानते क्योंकि वो आपसे अलग है,
जूते को मैं नहीं मानते क्योंकि वो आपसे अलग है। तो फिर देह को क्यों मान लेते हैं, वो भी तो आपसे अलग है। ये बात क्यों नहीं बुद्धि में आती है? बड़ा छोटा सा है तो गणित है बच्चों वाला कि जो मेरा है मैं उससे अलग हूँ। इसमें रटने की कुछ बात नहीं, इसमें कोई कष्टप्रद साधन करने की बात नहीं, इसमें कोई घर छोड़ जंगल जाना संन्यास लेने की भी कोई जरूरत नहीं। बस जो मेरे सामने है, जो मेरी दृष्टि में है, जिसे मैं देखता हूँ पहचानता हूँ, मैं उससे अलग हूँ। जड़ को देखने वाला जड़ से अलग है, जड़ को जानने वाला जड़ से अलग है। तो विचार है कि देह को आप जानते हैं या आप देह को जानते हैं, ये आपको सोचना होगा अभी, क्योंकि जड़ चेतन को कभी नहीं जानता है, चेतन ही जड़ को जानता है। और जो चेतन है वो परमात्मा है, जो चेतन है वो मुक्त है। तो आप पहले ये विचार है कि जड़ शरीर मुझे जानता है या मैं जड़ शरीर को जानता हूँ। तो जड़ शरीर मुझे नहीं जान सकता क्योंकि वो जड़ है, किंतु मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं चैतन्य हूँ। तो चैतन्य जड़ से अलग है। ये शरीर तुम्हारा जड़ है, तुम चैतन्य हो, इसलिए तुम शरीर से अलग हो। चेतन के द्वारा जड़ को जाना जाता है। तो तुम जिसे भी जानोगे, पहले तो ये जान लो कि तुम जड़ हो कि चेतन हो। और अगर ये जान लिया कि मैं चैतन्य हूँ, जड़ को जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, तो फिर तुम जिसको भी ध्यान में देखो या आंखों के सामने देखो, जिसको भी, चाहे वो भगवान हो कि गुरु हो कि पिता माता हो, भाई बंधु हो, पति पत्नी हो, मित्र हो कि पशु पक्षी हो, वह अनात्मा, वो जड़ की श्रेणी में, क्योंकि चेतन के द्वारा जड़ को देखा जाता है, जड़ को जाना जाता है। दो चेतन नहीं कि एक चेतन जानने में आ रहा है और एक जानने वाला है, ऐसा यहाँ दो नहीं है चेतन। चेतन एक ही है और उससे जितना भी भीतर बाहर का संसार जाना जाता है वो सब अनात्मा जड़ है। अंदर का संसार, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 त्रिपुटी, ये अंदर का संसार, ये सब जड़ अनात्मा है। और इसको जो देख रहा है पांचों कर्मेंद्रियों की अवस्था को, वाक पाणी पाद उपस्थ गुदा, इनको जो देख रहा है, जान रहा है, इनकी अवस्था को पहचान रहा है, पटुता मंदता अंधता, ठीक काम करती है, कम काम करती है या नहीं करती है, इसे जो जान रहा है, पांच ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, द्रव, गंध, ये ठीक ग्रहण होता है कि कम होता है या नहीं होता है, इसे जो जान रहा है,
ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त अहंकार संकल्प विकल्प हो रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, चित्त चिंतन कर रहा है और अहंकार गर्व अहंकार अभिमान कर रहा है। इसे जो जान रहा है, इस जानने वाले को जान, जान जान जानने वाले को जान, तो ये जो 14 त्रिपुटियाँ जानने में लगी है बाहर के या भीतर के संसार को, यही मत रुक जाना, यही मत अटक जाना और इसके पीछे आना, जो इन 14 त्रिपुटियों का प्रकाशक है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, वह आपका वास्तविक स्वरूप है। उसने आपको रुकना है, तो अनात्मा को पहचानने वाला आत्मा ही होगा। अनात्मा आत्मा को नहीं पहचान सकता। इस अनात्मा को जानने वाला शिव ही होगा। अनात्मा शव के तुल्य है, वो शिव को कैसे जानेगा? निश्चय करना है आपको, कान से सुन लेने मात्र से काम नहीं बनेगा, कागज पे पढ़ लेने से, लिख लेने से भी काम नहीं बनेगा। भजन गा लेने से, बना लेने से भी काम नहीं बनेगा। ये प्रवचन कर लेने से भी काम नहीं बनेगा कि हम तो प्रवचन कर लेते हैं, हम 10 लोगों को सुना देते हैं, हमारे ग्रुप में हमारा प्रवचन हो रहा है, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे मनोराज्य की बात है। तुमने क्या ग्रहण किया है, तुमने कितना इस प्रवचन को, इस उपदेश को, इस ग्रंथ को, इस भजन को तुमने कितना स्वीकार किया है, तुम इसमें से कितनी बातों को अपने जीवन में ढाल चुके हो। औरों को तो समझाने में बहुत कुशल हो, बात चपड़ाई तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद करते हैं, तुमको कहते भी हैं, वाह ऐसा प्रवचन तो कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया, आपका बहुत ही प्रवचन विचार लिए था, लेकिन हमने उसमें से ग्रहण किया है कि नहीं, ये बात है। रोज रोज आपको कुछ ना कुछ तो ग्रहण उसमें से करना ही होगा, तो वो दिन आपका सार्थक है, वो जीवन सार्थक है, वो सत्संग सार्थक है। खाली खेल बना लिया, ग्रुप के मेंबर बन गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ पढ़ के सुना दिया और अपने मस्त संसार के मोह ममता में, राग द्वेष में, काम क्रोध में, लोभों में वैसे के वैसे ही फंसे हुए, किसको धोखे में डालोगे? भगवान को, गुरु को, कि हमको सब कुछ आ गया। अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं, हे राजन, क्या मैंने सुनाया और वह का वही तूने भी रट कर बोल दिया? तेरी बुद्धि ज्यादा होशियार है, फोटो प्रिंट मेमोरी है, इधर सुना और बोल दिया, कितने कुछ धारण भी किया है। अगर धारण नहीं किया तो व्यर्थ है मेरा भी जीवन और तेरा भी जीवन। मेरा जीवन
तभी साधना की, जब तू इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ श्रवण करके मनन और ध्यान में लाए। अगर तुमने ये नहीं ध्यान किया, ये विचार नहीं किया, तो तेरा जीवन भी व्यर्थ और मेरा भी जीवन तेरे कारण इतना व्यर्थ गया। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझो। जब यह जीव ईश्वर की कृपा से इस रौरव नरक रूप गर्भाशय से बाहर निकल आता है, बस उसी क्षण से माया की हवा लेकर माँ के गोद में पलने व बढ़ने लगा। जब उसे बाह्य होश आया, तब इसे किसी ने नहीं बताया कि तू परमात्मा की संतान है। उसके न जानने के कारण ही तेरा यह जन्म हुआ है और वह तेरे ही भीतर बैठा है। किसी भी गर्भ से बाहर आने वाले जीव को यह नहीं कहा कि तू चैतन्य आत्मा, तू जड़ शरीर नहीं, तेरा जन्म मृत्यु नहीं, तेरे पिता माता नहीं, तेरा कोई जाति बंधु नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। यही कहा, तेरी ये नाम है, तेरी ये जाति है, तेरा ये पिता, तेरी माता, तेरे भाई बहन। क्यों नहीं बताया कि उनको खुद को पता नहीं, पिता माता को ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, वो अपने बच्चों को क्या बताएगा। पिता माता को पता है कि मैं हिंदू हूँ, बच्चों को भी रटा दिया। पिता माता को मालूम है कि मैं मारवाड़ी, गुजराती, उड़िया, बंगाली हूँ, बच्चे को भी बता दिया, वो भी बच्चा तोते की तरह रटने लग गया। और जो जो माँ बाप को भ्रांति अपने मन में थी, वो बच्चे के जीवन में वही भ्रांति उसको भी दे। जीव को अपने कोरे कागज पर लिखने की जगह ही नहीं रखी। पिता माता ने, समाज वालों ने इतना लिख दिया कि उस जीव को अपने परिचय के लिए कोई जगह नहीं रखी, पहले से ही रटा दिया, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्या मैं बनूं, मौका ही नहीं दिया, पहले से ही मोहर मार दी, स्टैंप मार दिया कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। उन्होंने ही लिख दिया जो लिखना था, जीव की स्वतंत्रता ही खत्म कर दी, कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। रट्टू तोते बनकर सब बैठ गए, जो माँ बाप के संस्कार थे वो बच्चों के। एक बार ऐसा हुआ, तीन मित्र थे, यात्रा करते करते थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गए। गर्मी के दिन थे, ठंडी हवा आ रही थी, झाड़ के नीचे लेट गए तो वहाँ पक्षी, तोता आपस में बातें कर रहे थे। वो तीनों लोग पक्षी की भाषा का अनुभव करने वाले थे। तो तीनों ने कहा, अरे ये देखो तो
पक्षी क्या कह रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा, ये बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि लून तेल लकड़ी, लून तेल लकड़ी। इसे चल हट रहे, दूसरे ने कहा ये बोल रहा है दंड कसरत कुश्ती, दंड कसरत कुश्ती। तो तीसरा चल हट, ये जो बोल रहा है इसकी भाषा को तुम नहीं समझ पा रहे। ये बोल रहा है राम दशरथ सीता, राम दशरथ सीता। ये क्या हो रहा है? अपने मन के संस्कार, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये सब ट्रेन में भी अपनी जगह पर, ट्रेन चल रही है पटरी पर, और ये कहता है देखो जय सिया राम, लेकिन चल राधेश्याम राधेश्याम, इसे नहीं रहे, ये तो जय श्री राम ऐसे कुछ कुछ। तो ये माँ बाप ने, समाज वालों ने हमारे कॉपी को लिख कर पूरा भर दिया, हमें लिखने को जगह ही नहीं रही कि मैं ये हूँ। पर एक भाग्यशाली माता उदालसा मदालसा, माता मदालसा जन्म से ही बच्चे को सिखाती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवार चतोसी, संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, माता मदालसा वाच पुत्र ऐसा। तो जिन्होंने भी अपने स्वरूप को जान लिया, जीवन धन्य कर लिया, और नहीं तो वो फिर आँख होते हुए भी अंधे ही हैं। जिनके पास में विवेक नहीं, विचार करने की शक्ति नहीं, जीवन तो पाया है लेकिन कल्याण उनका नहीं होगा। प्रत्युत सभी संसारियों ने उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि देख ये तेरी माँ है, यह तेरा पिता है, यह तेरी बहन, यह तेरा भाई, यह तेरा नाम और यह तेरी जाति है, यह मंदिर में बैठा तेरा भगवान है। इस प्रकार बचपन से ही उल्टा ज्ञान दिया गया और यह ईश्वर अंश जीव पुनः महामोह में फंस अपने सत्य स्वरूप ईश्वर की संतान होने का बात भूल गया। तो जीव को जन्म से ही उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने उसको उल्टा ज्ञान सिखा दिया। उल्टा ज्ञान का मतलब अनात्मा का संस्कार दे दिया, आत्मा की बात ही उसको नहीं मालूम होने दी है, और वो उसी में मोह ममता करके और इस आवागमन के चक्कर में अनादिकाल से दुख पाता आ रहा है। कभी कभी ईश्वर की कृपा से पूर्व के कोई पुण्य से आपकी जिज्ञासा जगती है तो सदगुरु नहीं मिलता है। जो मिलता है ये मंत्र करो, ये माला करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये साधन करो, उसी में फंसा देता है। अगर वो जिज्ञासा करे कि भाई मेरे को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो नहीं चुप करो, अभी तुम ज्ञान पाने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे को अभी ज्ञान पाने का अधिकार नहीं है, अभी तुम कर्म करो, अभी तुम जप करो, अभी तुम माला करो, अभी तुम तीर्थ धाम यात्रा करो, इसी में फंसा दे। उनके आगे वो मंद बुद्धि वाला क्या बोल सकता, अच्छा गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वही ठीक होगा, सारा जीवन उसी
कर्मकांड के तेली के बैल की तरह वहीं वहीं घुमा करता है। कौन सा दिन आएगा, कौन सा जन्म होगा जब ये ज्ञान का अधिकारी स्वीकार किया जाएगा। हर जन्म में गुरु लोग यही कह देते हैं कि अभी तुम इसके अधिकारी नहीं हो, अभी तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, अभी कर्म करो। तो ये कर्म करते करते अनंत जन्म बीत गए, उसी के फल से दुख पा रहे। तो अब तो ये मन से निकाल ही देना है कि हम ज्ञान के अधिकारी नहीं है, बात मन से निकाल दो। अरे मनुष्य जीवन अगर ज्ञान का पात्र नहीं तो क्या कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी ज्ञान के पात्र बनेंगे? अगर तुम तो मनुष्य जीवन में कह देते हो कि ज्ञान तो बड़ा कठिन है तो फिर ये क्या ज्ञान पशु पक्षी समझ पाएंगे? अगर मनुष्य ये कठिन कह देगा और मनुष्य के लिए यह अनुचित कह दिया जाएगा तो फिर किस जन्म में यह संभव होगा? इसलिए ऐसे भेदवादी गुरुओं से दूर हो जाओ, नमस्कार करो, दूर हो जाओ और किसी सच्चे आत्मनिष्ठ वेदांति अनुभवी वैराग्यवान सदगुरु के शरण को ग्रहण करो। वो तुम्हें सच्चा सतुपदेश हितोपदेश करेगा। यहाँ से